बॉलीवुड में कई दशकों तक अपने अभिनय का सिक्का जमाने वाली मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी अब नहीं रही। शनिवार रात दिल के दौरे से उनकी मौत हो गई। श्रीदेवी यहां एक्टर मोहित मारवाह की शादी के लिए पहुंची थी। उनके पति बोनी कपूर और बेटी खुशी भी उनके साथ दुबई में थे। 54 वर्षीय श्रीदेवी को दिल के दौरे के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। कल रात करीब 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। श्रीदेवी का अंतिम संस्कार मुंबई में होगा। उधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई नेताओं और अभिनेताओं ने दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन पर शोक जताया। वहीं मुंबई में तमाम सितारे और परिजन श्रीदेवी के अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठे हुए। UAE में भारत के राजदूत नवदीप सिंह सूरी ने कहा कि फिलहाल पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने में लगी है। दूतावास उनके परिवार और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और सभी जरूरी मदद की जा रही है। श्रीदेवी बॉलीवुड में आने से पहले दक्षिण भारतीय फिल्मों का जाना माना नाम थी। उन्होंने वर्ष 1969 में बाल कलाकार के रूप में तमिल फिल्म थुनाई वन से अपने करियर की शुरुआत की। श्रीदेवी ने मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। उन्हें 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उधर प्रसिद्ध निदेशक राम गोपाल वर्मा ने अपने ट्वीट में कहा कि मुझे श्रीदेवी से नफरत है, क्योंकि वह मुझे महसूस करा गई कि वह भी आखिर में केवल एक इंसान थी। मुझे नफरत है उनके दिल से जो जिंदगी से हार गया। वहीं कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से श्रीदेवी के निधन पर ऐसा ट्वीट किया जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर कहा कि श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर हमें दुख है। उन्हें वर्ष 2013 में UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान पद्मश्री दिया गया था। कांग्रेस के इस ट्वीट की आखिरी लाइन विवादों में आ गई। सैकड़ों की संख्या में लोग ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी से अभिनेत्री की मौत पर राजनीति नहीं करने के लिए कह रहे हैं। BJP ने भी कांग्रेस के ट्वीट की कड़ी निंदा की है। वहीं क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने ट्वीट कर लिखा है कि कृपया मौत का राजनीतिकरण न करें।